लगभग 20 दिन बचे हुए हैं यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती के एग्ज़ाम में। एएनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी का एग्ज़ाम हो चुका है। एवरेज पेपर आया हुआ था, ना तो बहुत पेपर टफ आया था और ना ही बहुत ही ईजी आया था। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो थोड़े से घुमावदार थे, क्वेश्चन समझ से परे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा लेवल उनका ऊपर था, ऐसा मुझे कैंडिडेट्स के रिव्यू से पता चला। स्टाफ नर्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फ्रेशर हैं अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। और यूपी में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है बहुत रुक रुक के आती है, साल दो साल भी लग जाते हैं वैकेंसी आने में। तो बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है। कई सारे पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, कई लोगों ने एक फॉर्म अप्लाई किया है, कई लोगों ने कई फॉर्म अप्लाई किया, कई लोगों ने एक फ़ोन नंबर से अप्लाई किया है, कई लोगों ने कई सारे फ़ोन नंबर से अप्लाई किया। जिन लोगों ने एक फ़ोन नंबर से अप्लाई किया उनके एक ही एडमिट कार्ड आया पर उसमें पोस्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, और जो लोगों ने कई सारे फॉर्म में अप्लाई किया तो वो लोग कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 20 दिन बचे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है कि कैसे इस एग्ज़ाम को पास करें, कम समय में कैसे हम पढ़ाई करें ताकि इस एग्ज़ाम में मैं पास कर पाऊँ, कौन से पोस्ट में मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है हार्टफुली मेरी तरफ से उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, इतना लव, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले पेपर कितने दे सकते हैं, तो मैंने बताया कि अगर एक एडमिट कार्ड आया तो अभी एक पेपर देगी और एक पेपर से ही जितने उसमें रोल नंबर लिखे हुए हैं, जितने पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है सभी में आपका वो नंबर आ जाएगा, मतलब कि सभी के रिज़ल्ट अलग अलग आएंगे और उसमें जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा उसमें आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। हो सकता है 2 से 3 पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जो पोस्ट आपको अच्छा लगे मैं रिज़ल्ट निकलने के बाद आपको ये वीडियो में बता दूंगी कि कौन सा पोस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए, फ्यूचर के लिए कौन सा पोस्ट सही है ये मैं बताऊंगी, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जिनका अलग अलग शिफ्ट में पेपर है वो अलग अलग शिफ्ट में पेपर दे सकते हैं, और जिनका एक शिफ्ट में पेपर है वो एक शिफ्ट में पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप जितने पेपर दोगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और जिसमें आपका सिलेक्शन होगा आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और जिसमें आपको छोड़ना होगा उसमें आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, तो मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड बहुत पहले नहीं आता है, एक हफ्ते के अंदर ही आता है। तो अभी 18 को पेपर है तो मान के चलो कि 10 के आसपास में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान नहीं हो। कुछ लोग लैब टेक्नीशियन एएनएम और फार्मेसी की जो एडमिट कार्ड आई थी उसमें अपना स्टाफ नर्स वाला रोल नंबर डाल के देख रहे थे कि मैम मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो थोड़ा सब्र रखिए, आ जाएगा एडमिट कार्ड। कैटेगरी वाइज कितने नंबर आपको लाने होंगे, तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप हमेशा 60+ का टारगेट बना के चले, चाहे आप ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, कुछ भी। मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ कि जितने अच्छे आपके नंबर होंगे उतनी अच्छी आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब आपका नंबर ज़्यादा होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी अच्छा मिलेगा, आप अपने अनुसार डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन पाओगे। कम नंबर लाओगे तो फिर अगर आपके सिलेक्शन हो भी जा रहे हैं तो उसके बाद आपको सही मन चाहा आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, तो 20,000 के लिए आप कितनी दूर जा सकते हो काम करने के लिए, 20-30,000 के लिए आप कहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हो। तो ये चीज़ है, हमेशा आप 60+ का टारगेट बनाइए। सिलेक्शन तो कम नंबर पर भी हो जाए पर मन माफिक आपको जगह नहीं मिलेगा तो आप जॉब नहीं करोगे, छोड़ ही दोगे। तो कैटेगरी वाइज मैं बता दूं कि अभी फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे पोस्ट हैं, तो किसी पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, किसी पोस्ट में कम वैकेंसी है उसमें भी कम या ज़्यादा वैकेंसीज के अनुसार लोगों ने अप्लाई किया। तो डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट का पेपर इजी होगा, शिफ्ट के पेपर पे भी डिपेंड करता है, ऊपर से कोविड एक्सपीरियंस के नंबर भी जुड़े होंगे, अगर आप मतलब जुड़ेंगे अगर आप मिनिमम नंबर लेके आओगे तो कट ऑफ मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर इतना मैं बोलूँगी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 60+ मतलब कि 60+ मार्क्स लेके आओ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 65 से ऊपर मार्क्स लेके आओ, अगर आप एससी एसटी हो तो मान के चलो 55 नंबर से ऊपर लेके आओ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ नंबर बढ़ते भी हैं तो उसका बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 60+ नंबर लेके आने ही आने हैं। किस पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगी, तो जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है या फिर एचडीयू है और मैटरनल हेल्थ जो है, चाइल्ड हेल्थ, इसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। हाँ, लेकिन सीटें भी ज़्यादा हैं, जिनकी सीटें कम हैं उसमें आवेदन भी कम होते हैं और सिलेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, तो कभी कभी दिमाग लगाना चाहिए कि सब लोग अगर ज़्यादा पोस्ट में डालेंगे तो आपको कम वाले पोस्ट में डालना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और इस बार तो लगभग कई सारे पोस्ट में लोगों ने डाले हैं, फॉर्म डाले हैं, तो सिलेक्शन बहुत कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, मतलब सभी पोस्ट में लोग अप्लाई किए हैं, सभी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ जैसे कि एवरेज होता है वैसे ही जाएगी। हाँ, वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है क्योंकि जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है लोगों का तो बाकी रिमेनिंग सीटें खाली हो जाती है, तो वेटिंग में जब आता है तो उसमें कट ऑफ नीचे आके सिलेक्शन हो जाती है।
कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। पहले मैं बता दूं कि आपको सारे सिलेबस को कवर करना है, जिसमें भी 8 टॉपिक्स दिए गए हैं, 8 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। कवर करने के बाद आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद से जीके आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जनरल नॉलेज मैं 2-3 बार से पेपर दे रही हूँ। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन फंसते नहीं है, जो आपका नॉलेज है वही जनरल नॉलेज में काम आ जाएगा। आपको जीके के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको 8 टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इजी आते हैं, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओ तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, छोटे छोटे सिंपल से सवाल आएंगे, सिंप्लीफिकेशन वाले। पुराने पेपर आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें कि सिंप्लीफिकेशन, छोटे छोटे आपको एक क्वेश्चन आएंगे, उसको सिंपली आपको हल करना होगा, आंसर निकालो। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप नॉर्सेट दीजिए या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, तो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इतने टॉपिक आपको पता है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर थोड़ा सा भी आपको आएगा, बहुत इजी आता है ये सब चीज़ें, मैं हमेशा से देती हूँ, तो इसको आप सिंगल वे में लगा लेगी, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते, छोटे आते हैं, ट्रिकी आते हैं, तो इनको एक बार कोशिश करिए लगाने की। अगर फॉर्मूला वगैरह आपको याद होंगे तो एक आध क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको हल कर लोगे, क्योंकि नर्सिंग के क्वेश्चन लगभग सब लोग बराबर ही करते हैं, एवरेज सबका वही रहता है। जिसका सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से ही सिलेक्शन होता है, 10 से 5 नंबर के बीच में ही पूरी कट ऑफ रहती है, तो ये सारे नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नर्सिंग के साथ ये भी ज़रूरी है। उसके बाद से आप देखिए कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग तो मतलब इजी आता है NHM का, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो उसको लगा लोगे। पर कुछ मैं टॉपिक्स आपको बता दे रही हूँ कि सीरीज कंप्लीशन, मतलब कि 3-4 नंबर दिए होंगे, फिर आपको फिल करना होगा बीच के नंबर, मिसिंग कैरेक्टर्स, कोडिंग डीकोडिंग से आ सकता है, कोई फिगर आपको दे सकता है पहचानने के लिए, फिर आपको ट्राइंगल स्क्वायर ये सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिरर इमेज या फिर पेपर फोल्डिंग कटिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो आप श्योर है कि अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है तो आप उसमें ज़रूर 6 से 7 नंबर लेके आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके श्योर है कि नंबर आ जाएंगे। अब बारी आती है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, कोई भी नॉर्मली आप तैयारी की बुक मार्केट से ले सकते हैं। लूसेंट की भी एक बुक आती है कंप्यूटर की, तो उसमें बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का होता है वो हमेशा से आप पढ़ते रहें बुक को, एक बार में तैयारी नहीं होती, हमेशा कंप्यूटर के कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहें। यूट्यूब से भी कभी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ते रहें, और अभी के लिए कोई भी तैयारी वाली जो बुक होगी, कोई भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है या फिर कोई भी, तो उसमें से आप जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक बुक आती है, उसमें हर एक चीज़ दी रहती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आप मुझे आई होप कि आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी सही करके आएँ, तो यही सारे क्वेश्चन मिलके आपके कट ऑफ को इंक्रीज़ करते हैं, आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। तो इसको छोड़ के ना जाएं, इसको भी पढ़ के जाएं। अगर आपका नर्सिंग बहुत ही स्ट्रांग नहीं है या फिर नर्सिंग के क्वेश्चन टफ आ गए हैं, तो इन सब से भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेज है। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताई है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके तैयारी में कोई कमी रह जा रही है, कोई चीज़ आपके मन में डाउट है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको रिप्लाई दे दूंगी, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।